अब रुख करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2040 नए मामले सामने आए हैं। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 से 18 साल के किशोरों का वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने प्राकृतिक आपदा में किसानों को हुए नुकसान को लेकर मुआवजे के बारे में भी चर्चा की है। मध्य प्रदेश में 2040 केस आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 6849 एक्टिव केस हैं। हमारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और हम सबसे महत्वपूर्ण जो इस लड़ाई के लिए हथियार है वैक्सीन, उसको लेकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारा 15 से लेकर 18 तक के जो वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। कल से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशन डोज की बात की है, उसकी भी हमारी तैयारी चुस्त दुरुस्त है। हमने सभी जो हमारे इस प्रिकॉशन डोज की श्रेणी के एलिजिबल हितग्राही हैं, उन सब की लिस्टिंग कर ली है। हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वॉरियर, इन सब की लिस्ट को हमने रिकंसाइल कर लिया है। पूरी तरह से यह सुनिश्चित किया गया है कि 60 प्लस के वो नागरिक जो प्रिकॉशन डोज लेना चाहते हैं उन्हें हम प्रिकॉशन डोज उपलब्ध करा सकें। अस्पतालों की स्थिति हमने पूरी तरह चुस्त दुरुस्त की है।